सर्किट हाउस के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक बैठक के बाद सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में विजय हासिल करने के लिए सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी आम जन के साथ सुख दुख में खड़ी रही। उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा के चुनाव में पार्टी 350 का आंकड़ा पार करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि कृष्ण ने कहा, कैसे चुनाव जीता जाएगा, कैसे अपनी उपलब्धियों को जो सरकार ने किया है उसको जाके जन जन को हर घर को बताना, कैसे भारतीय जनता पार्टी पूरे कोरोना काल में खड़ी रही, सुख दुख में खड़ी रही, वो यही पॉजिटिविटी को देखना मेन इसका मूल मंत्र था कि पॉजिटिविटी कैसे आप बताएंगे और पॉजिटिविटी से चुनाव जीता जाएगा, ये एक सबसे बड़ी बात थी। प्रधानमंत्री जी का दौरा हर महीने लगेगा, गृह मंत्री जी का दौरा, केंद्र के सारी मंत्रियों का दौरा लगेगा, तो एक बड़े पायने ये हम लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि अब पूरी सरकार केंद्र की राज्य की मिल के अगले चुनाव के लिए पूरी रणनीति बनाएगी और ज़मीन पर सब उतरेंगे। 2022 के लिए 350 पार कैसे होगा, जो पिछले बार हम लोग जीते थे उस आंकड़े को कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनप्रतिनिधि कैसे ज़मीन पर उतरेगा और एक युद्ध की तरफ इसको लेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव युद्ध होगा। अद्भुत है ये, जो देखिए कल पता चल गया था कि कोई निर्दलीय सारे जीते थे सब आए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने सपा वाले भी आ गए, क्योंकि उनको पता है कि यही पार्टी का भविष्य है, यही भारतीय जनता पार्टी भारत की पार्टी है और ये देश का, इस देश में रहने का इस पार्टी का भविष्य है। प्रधानमंत्री जी पे और पूज्य योगी महाराज जी पे सबको विश्वास है। कल रिजल्ट आप लोग देख चुके हैं, 3 तारीख को रिजल्ट और होगा और सब भाजपा के पक्ष में होगा। पूर्वांचल की महादेव चाहेंगे हर हर महादेव, सारी सीट जीती जाएगी।